हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय एकेडमी चैनल। बेटा आज हम आपसे 8.2 के बारे में बात करेंगे, क्लास 9। मैंने इससे लास्ट वीडियो में मिड पॉइंट थ्योरम एंड कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम में बात के बारे में बात करी थी। हो सकता है उसमें आवाज की डिस्टरबेंस रहे, ठीक है, तो घबराना मत, आ जाएगी वीडियो, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, ठीक है। थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो रहा है माइक के साथ, अब वो इक्विपमेंट्स कभी कभी देखो ये मशीनरी प्रॉब्लम है, तो हो सकता है कि आवाज थोड़ा कम आए, तो मैनेज आप कर सकते हैं, ठीक है। तो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको कहा हुआ है, उसने कहा कि ABCD क्या है, एक क्वाड्रिलेटरल है जिसमें PQ आर एस आर द मिड पॉइंट्स ऑफ ABBC CD एंड DE, ठीक है। और कहा हुआ है उसने AC डायगोनल है, तो मैंने आपके सामने ABCD एक क्या बनाया, क्वाड्रिलेटर जिसमें PQRS एक मेरा क्या है, मिड पॉइंट है, ठीक है। तो देखते हैं क्या करना है, देखो सिंपल है, बहुत इजी सा है, ठीक है। अब मैं ध्यान से देखना एक चीज को, एक चीज जो मैं बोलने वाला हूं, ध्यान से देखो। इसमें पहले मैं आपको प्रूफ नहीं लिखूंगा क्योंकि इसमें बहुत सारा प्रूफ करना है, सिंपल सिंपल मैं आपको सीधा एक बात करता हूं कि ये ट्राइंगल को देखो, ये दोनों मिड पॉइंट है, पी और क्यू मिड पॉइंट है, ठीक है। तो इनसे मिलने वाली लाइट जब मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट थ्योरम में क्या कहा था कि अगर ट्राइंगल के किसी भी दो साइड के मिड पॉइंट को मिलाता हूं तो लाइन जो है वो थर्ड साइड के पैरेलल होगी और उसके हाफ के बराबर होगी, इसका यूज करना है। तो इन ट्राइंगल ABC देयरफॉर पी एंड क्यू आर द मिड पॉइंट ऑफ साइड्स AB एंड BC, तो इसलिए क्या हो जाएगा, बाय मिड पॉइंट थ्योरम मेरे पास क्या होगा कि PQ इज पैरेलल टू AC, ठीक है, एंड अच्छा SR दिखाना था बेटा, रुक जाओ, ये मैंने ट्राइंगल ये वाला कर दिया, रुक जाओ, कोई बात नहीं, ये इसका यूसेज है सेकंड पार्ट में। ये देखो ये वाला ट्राइंगल ले लो, SR लेना है, ठीक है। तो इन ट्राइंगल ADC में देयरफॉर S एंड R आर द मिड पॉइंट ऑफ AD एंड CD, इसलिए बाय मिड पॉइंट थ्योरम क्या हो जाएगा मेरे पास कि SR इज पैरेलल टू AC एंड SR इज इक्वल टू हाफ ऑफ AC। पहली कंडीशन बना देते हैं, पहले पार्ट मेरा प्रूव हो गया। सेकेंड पार्ट में वो क्या कह रहा है आपसे, PQ बराबर SR, ठीक है। सेकेंड पार्ट में वो मुझसे क्या कह रहा है, देखो PQ बराबर SR, ये प्रूफ करना है। देखो जैसे मैंने फर्स्ट पार्ट में करा, तो सिमिलरली P एंड Q आर द मिड पॉइंट ऑफ ट्राइंगल ऑफ साइड्स AB एंड BC, ठीक है। यहां लिख लीजिएगा इन ट्राइंगल ABC, इन ट्राइंगल ABC पी एंड क्यू आर द मिड पॉइंट ऑफ साइड्स AB एंड BC, तो बाय मिड पॉइंट थ्योरम क्या हो जाता है कि PQ पैरेलल हो जाएगा AC के और PQ बराबर भी हो जाएगा हाफ ऑफ AC के। ये मेरी दूसरी कंडीशन, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, देखो ये भी हाफ ऑफ AC के बराबर, ये भी हाफ ऑफ AC के बराबर, तो मेरे पास क्या हो जाएगा कि PQ बराबर SR, खत्म। थर्ड कंडीशन देखेंगे बेटा, थर्ड पार्ट देखो क्या कह रहा है वो आपसे, देखते हैं। वो कह रहा है आपको PQRS पैरेललोग्राम है दिखाना है,
PQRS is R. पैरेललोग्राम तो वो कह रहा है PQRS एक पैरेललोग्राम है, ये मुझको शो करता है सिंपल सीधी सी भाषा में। देखो क्योंकि SR पैरेलल है किसके, AC के, और PQ भी पैरेलल है AC के, सो PQ पैरेलल हो जाएगी SR के, ठीक है। और ध्यान से सुनो, ऑल्सो PQ बराबर RS या SR, तो ओपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल, सो दैट्स व्हाई वी कैन से दैट, सो दिस इंप्लाइज PQRS इज अ पैरेललोग्राम। क्वेश्चन खत्म, ठीक है जी। बहुत इजी सा क्वेश्चन है, आराम से समझ में आ गया होगा, कोई ऐसा इसमें है नहीं जो ना समझने वाली चीज हो, ठीक है। तो बात करते हैं देखो सेकंड क्वेश्चन की, आइए वो कह रहा है एबीसीडी एक रोम्बस है, PQRS आर द मिड पॉइंट्स ऑफ एबीसी सीडी एंड डी रेस्पेक्टिवली, सो शो दैट द क्वाड्रिलेटरल PQRS इज अ रेक्टेंगल। सिंपल है, देखो वो कह रहा है आपको एक एबीसीडी रोम्बस है, रोम्बस आप अच्छी तरह जानते हैं, ठीक है। A, B, C, D. A, B, C, D एक रोम्बस है, टिल्ट स्क्वायर कहा जाता है इसको, चारों साइड बराबर होती हैं। इस वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने एक वीडियो डाली थी इस चैप्टर के स्टार्टिंग में, जिसमें मैंने बहुत सारे क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में मैंने आपको समझाया था, तो वो देख लीजिए। अकॉर्डिंग टू इट क्या कहते हैं कि रोम्बस के चारों साइड बराबर होती हैं, उसके जो डायगोनल्स होते हैं वो आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स यानी कि 90 डिग्री पर भी इंटरसेक्ट करते हैं और मिड पॉइंट पर भी करते हैं, ठीक है ना बात। तो देखो वो कह रहा है उसके जो मिड पॉइंट्स हैं पी क्यू आर एस ये मिड पॉइंट्स हो गए। अब वो आपसे ये कहेगा, वो कह रहा है कि पी क्यू आर एस को रेक्टेंगल शो करो, कोई बात नहीं, डरने की बात नहीं है। अब ये हमने प्रूव करा था इससे पहले क्वेश्चन में कि अगर मैं देखो एसी को जोड़ता हूं, गिवन में क्या है ए बी सी डी इज आर रोम्बस एंड पी क्यू आर एस आर मिड पॉइंट ऑफ ए बी BC, CD and D, क्लियर है बात। और रोम्बस है तो मेरे पास क्या हो जाएगा कि AB बराबर BC बराबर CD बराबर D है, ठीक है। चले आगे हो, चलो जी देखो प्रूव, PQRS is a rectangle। आगे चलते हैं देखो प्रूफ पर, देयरफॉर एसी इज आर डायगोनल है, बिल्कुल है, एंड पी एन क्यू आर द मिड पॉइंट्स ऑफ AB and BC, so in triangle ABC by midpoint theorem, मैं कह सकता हूं कि PQ parallel है AC के, पहली condition clear है बात। चलो similarly R and S are the midpoints of क्या है AD
and CD. So this implies in triangle ADC by midpoint theorem, RS is parallel to AC and RS is equal to half of AC. दूसरी condition. तो देखो पी ये पी क्यू भी हाफ ऑफ ए सी के बराबर है, आर एस भी हाफ ऑफ ए सी के बराबर है. तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड पी क्यू बराबर आर एस. क्लियर है बात? चले आपके कोई दिक्कत परेशानी नहीं है. चलो अब बात करते हैं सिमिलरली जब BD मेरा एक डायगोनल होगा है तो मैं ये कह सकूंगा कि PS पैरेलल है BD के और PS हाफ ऑफ BD के. इसी तरीके से QR पैरेलल है BD के और QR हाफ ऑफ BD के. दिस इंप्लाइज PS बराबर QR. ओपोजिट साइड्स तो हमने बराबर दिखा दी, रेक्टेंगल की ओपोजिट साइड्स होती हैं बराबर. अब मैं बात करता हूं क्या देखेंगे. देखो अब मैं बात करता हूं रेक्टेंगल की चारों साइड ओपोजिट साइड्स बराबर होती हैं, वो हमने दिखा दी हैं. अब हमें 90 डिग्री दिखाना है, यानी कि ये चीज 90 डिग्री दिखानी है. ध्यान से देखेंगे, देखो ये पैरेलल है इसके तो ये भी तो पैरेलल होगा इसके और ये भी पैरेलल होगा इसके. सिंपल सीधी सी भाषा में अगर PQRS ABCD E और F कह दूं और इसको O कह दूं, ठीक है? तो देखो ना, क्योंकि PQ पैरेलल है AC के तो PF भी पैरेलल होगी AC के और PF पैरेलल होगी EO के, क्योंकि PF भी पार्ट है PQ का और EO भी पार्ट है AC का. ठीक है, क्लियर है बात? ओके जी. और सिंपल सीधी सी भाषा में मेरे पास क्या जाएगा कि PEOF इज अ पैरेललोग्राम. देयरफोर बाय द प्रॉपर्टी, क्योंकि प्रॉपर्टी क्या कहती है ऑफ रोम्बस, एंगल AOB बराबर 90 डिग्री, क्योंकि डायगोनल से एक दूसरे को 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करते हैं. सो दैट्स व्हाई एंगल O बराबर हो जाएगा एंगल P के, क्योंकि PEOF इज अ पैरेललोग्राम और पैरेललोग्राम की ओपोजिट साइड ओपोजिट एंगल्स बराबर होते हैं. ठीक है, एंड वी ऑल्सो प्रूव That, कि एंगल E बराबर एंगल F बराबर 90 डिग्री. वो है कि ये 90 पैरेललोग्राम हो तो ये भी 90 और ये भी 90, क्योंकि एडजेसेंट एंगल से प्रूव कर सकते हैं. सो वी कैन से दैट दिस इंप्लाइज क्या है कि PQ, दिस इंप्लाइज जब एंगल P बराबर 90 डिग्री होगा तो एंगल PQ के बराबर हो गया QR के QS के, ठीक है, बराबर 90. इसलिए पी क्यू आर एस इज आ रेक्टेंगल. बेटा देखो ऐसे क्वेश्चंस में मैं पहले बोल दूं, यहां पर मैंने थोड़ा सा शॉर्ट किया है. रीजन इज दैट आप भी कर सकते हैं, क्योंकि प्रॉपर्टीज का यूज ही तो यही है. प्रॉपर्टीज क्यों बताई जाती है, वो इसलिए तो बताई जाती है ताकि हम जल्दीबाजी में यूज कर सकें उसको. ठीक है, वो कैसे, देखो ये 90 है पैरेललोग्राम, ये 90 हो गया एडजेसेंट एंगल्स है तो ये 90 हो गया और ये भी 90 हो गया. अब बात करता है PQRS की. जब PQRS एक रेक्टेंगल है, देखो खुद ही कि PQRS जब एक रेक्टेंगल है, ये पैरेलल इसके है और ये पैरेलल इसके है तो ये 90 हो गया कोइंटीरियर एंगल से, ये 90 हो गया कोइंटीरियर एंगल से, ये 90 और ये भी 90. तो सिंपल सीधे से भाषा में ये चीजें प्रूव कर सकते हैं. सो दैट्स व्हाई हम वी कैन यूज अ शॉर्टकट, ठीक है, अकॉर्डिंग टू अवर कन्वीनियंस
और सीधी सीधी सी भाषा में इसका यूज ये तो यही है, प्रॉपर्टी इसका यूज यही तो, ठीक है ना। सो क्लियर हो गया होगा आई थिंक। थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है आपको, जस्ट अ मिनट। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है एबीसीडी एक रेक्टेंगल है, PQRS आर द मिड पॉइंट्स ऑफ दिस, तो क्वाड्रेटर PQRS इज रोम्बस। अब की बार बिल्कुल उल्टा कहा हुआ है, PQRS रोम्बस है, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, बिल्कुल इसको उल्टा कर सकते हैं, ये क्वेश्चन आप खुद भी कर सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। रेक्टेंगल से रोम्बस, रोम्बस से रेक्टेंगल करना है, बिल्कुल सेम है, बस रोम्बस की जगह रेक्टेंगल और रेक्टेंगल की जगह रोम्बस कर सकते हैं। सो बिल्कुल सेम क्वेश्चन रहेगा आपका ये। तो मेरी तरफ से इस वीडियो में तीन ही क्वेश्चन को डिस्कस करना था मुझको, तो अगली वीडियो में आपके आगे के चार क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। ओके बेटा, ओके, थैंक यू।